एडवोकेट जितेंद्र सिंह तोमर, आपने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था दिल्ली के त्रिनगर से, जीत गए तो कानून मंत्री बना दिया। केजरीवाल के ये कानून मंत्री सुर्खियों में हैं, अपनी काम की वजह से नहीं, कारनामे की वजह से। स्नातक की फर्जी डिग्री पर एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली, कानून की ये पढ़ाई पूरी हुई तो वकील के तौर पर पंजीकरण भी करवा लिया, वकील बन गए। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कानून की बारीकियों को समझने वाले एक वकील ने ही याचिका दायर कर दी। दिलचस्प मोड़ तब आया जब याचिकाकर्ता वकील ने अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अभी दूसरे पक्षों का रुख साफ होना बाकी है, इसलिए याचिका वापस नहीं ली जा सकती। हाई कोर्ट ने जितेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय और बिहार के मुंगेर के विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इससे पहले अदालत ने 4 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शुक्रवार को दोनों पक्ष अदालत में हाजिर हुए। बार काउंसिल के सदस्यों ने भी बताया कि अवध विश्वविद्यालय के पास जितेंद्र तोमर की स्नातक डिग्री से जुड़ा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, लिहाजा उनकी डिग्री भी फर्जी है। जो है जुडिशियल इंक्वायरी जो चल रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाया, वहां पर जो है ये बाई हैंड भेजा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये डिग्री बोगस है उनकी, जो 1988 में उन्होंने हासिल की है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। तो उस डिग्री के आधार पर इन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। आज भी ये केस लिस्ट हुआ था, ऑनरेबल हाईकोर्ट जो जस्टिस थे उन्होंने विड्रॉ करने के लिए किया था, लेकिन उन्होंने विड्रॉ करने से मना कर दिया है और कहा है कि पिटिशनर को कि जो पहले जिस कॉज के लिए आए थे वो उसी पे खड़े रहे। तोमर के खिलाफ फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बाद बीजेपी के तेवर तीखे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने जितेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त करने की मांग की है। अयोध्या यूनिवर्सिटी जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी में किसने आरटीआई लगाई, उन्होंने आरटीआई में बता दिया ये फर्जी डिग्री है। फिर उस आरटीआई की कॉपी के आधार पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने रिकन्फर्म किया, तो 9 मार्च को उन्होंने बार काउंसिल दिल्ली को भी रिकन्फर्म किया। इशू है ग्रेजुएट होना जरूरी है लॉ करने के लिए, और उसके आधार पर आप एलएलबी फिर बार काउंसिल में करके प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि दिल्ली का लॉ मिनिस्टर की जो बेस है ग्रेजुएशन की डिग्री का, वही फर्जी। हमारा ये कहना है कि तुरंत जितेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक बने जितेंद्र सिंह तोमर पर फैजाबाद से स्नातक की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप, मुंगेर के कॉलर से कानून की पढ़ाई की डिग्री हासिल की और दिल्ली में वकालत के लिए पंजीकरण करवा लिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ फर्जीवाड़े के केस की शुरुआत होगी। दिल्ली में आपकी सरकार बने एक महीना ही हुआ है, कानून मंत्री के खिलाफ फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आ गया। इस एक महीने में दिल्ली सरकार काम की वजह से जितनी चर्चा में नहीं रही, उससे ज्यादा विवादों की वजह से रही। अब एक और नया विवाद सामने आया है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।